नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो कटल फिश बोन होता है या फिर बंगाली में जिसको समुद्रेर फेना बोला जाता है, उस चीज़ को हम बर्ड्स को कैसे प्रोवाइड करेंगे। मैं फ़िलहाल अपने फिंचेस को प्रोवाइड करने वाला हूँ और अपने पास कुछ बंगाली फिंच है, उस सभी को मैं कटल फिश बोन प्रोवाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि कटल फिश बोन किस लिए देना चाहिए। ऐसा है कि देखिए, बर्ड्स को बहुत कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है अपनी बॉडी के लिए, जैसे कि कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन। तो ये जो कटल फिश बोन होता है, अगर आप इसको बर्ड्स को देंगे, अपने बर्ड्स को देंगे, तो बर्ड्स को उस कटल फिश बोन से कैल्शियम और मिनरल्स ये दोनों मिल जाएंगे और आपका बर्ड बहुत अच्छी तरह से ब्रीड भी करेंगे और जितना सारा चिक्स निकलेगा वो अच्छा हेल्दी वाला होगा। तो कटल फिश बोन को हर वक्त, हर साल अपने बर्ड्स के केज में ज़रूर लगा के रखिए। तो पहले देख लेते हैं कि उसको हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, फिर बात करते हैं। तो दोस्तों, मेरे हाथ में इस वक्त जो चीज़ आपको दिख रहा है, यही कटल फिश बोन है जिसको समुद्र फेना बोला जाता है बंगाली में। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी बर्ड शॉप में आप अगर जाएंगे तो ये आपको 450 से लेकर 600 रुपए तक मिल जाएगा। अभी ये जो टाइम है, ये 2021 साल का अप्रैल महीना चल रहा है, इस टाइम ये कटल फिश बोन का प्राइस थोड़ा सा महंगा हो गया है। ये मुझे 650 पर किलो में मुझे मिला है। तो ये वाला जो चीज़ है, ये लंबा वाला होता है, मैंने इसको पीसेस में कट कर लिया है, छोटा छोटा पीसेस में मैंने इसको काट लिया है या फिर तोड़ लिया है। तो इसको दिखाते हैं अभी, इसको मैं कैसे प्रोवाइड करता हूँ। पहले ये एक लीजिए आप, ये चीज़, इससे आप इसको थोड़ा सा या फिर ड्रिल कर लेना है। देखिए, ये दोनों साइड है, ये एक होता है, ये थोड़ा सॉफ्ट साइड होता है, सॉफ्टर साइड है, ये थोड़ा हार्ड साइड है। आपको क्या करना है, हार्ड साइड में इसको एक ड्रिल करना है, थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो ये ड्रिल हो जाएगा। देख लिया, ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ड्रिल हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये एक GI का तार है, छोटा सा मैंने कट कर लिया है, ये 4 से 5 इंच होगा, 5 इंच होगा इसका। इसको इसमें थोड़ा सा अगर लगा के आप ऐसे अगर थोड़ा सा प्रेशर देंगे ना, ये देखिए मैंने थोड़ा सा प्रेशर दिया, ये पूरा ड्रिल हो गया। अभी इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे मोड़ लेंगे, कसकी इसको लगा लिए इसमें, ऐसे देखिए ऐसे लगा लिया। अभी इसको थोड़ा सा इस तरफ मोड़ देंगे तो ये बर्ड्स को देने के लिए ये तैयार हो गया। मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा बना के रख दिया है ऐसे। तो ये सारा चीज़ मैं अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो हर एक बर्ड्स को प्रोवाइड करूँगा। और वो अगर वीडियो बनाऊँगा तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ, किसी एक केज में मैं डाल के आपको ये दिखाता हूँ। अरे ये मेरा केज है, एक फीट बाई 1.5 फीट का एक फिंचेस का केज है। आप अंदर कुछ चिक्स भी देख सकते हो। तो इसका मैंने प्रोवाइड किया था कटल फिश बोन जो ख़त्म हो गया है, अभी मैं इसमें लगाने वाला हूँ, तो आप देखिए कैसे मैं लगाता हूँ इसको, तो कहाँ पे लगाता हूँ। आपने देख लिया, जहाँ पर पंछी बैठता है, ठीक जो अंदर जो एक लकड़ी लगा हुआ है, जहाँ पर पंछी बैठा था, यहाँ पे जो लकड़ी है ना, इसमें जो पंछी बैठता है, तो उसी के साइड में ऐसे आप बस उसको लगा दीजिए, तो ये पूरा साल तक ये पंछी जो है ये खाता रहेगा इसको, और इसको भरपूर मिनरल्स और कैल्शियम मिलता रहेगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और ये वीडियो अगर पसंद आए, मेरा कॉन्टेंट अगर आपको पसंद आएगा, तो मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी अगर वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसको देख सकते हो। और मैं जो वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस से बनाता हूँ, जो कि मैं अपने फार्म में ट्राई करता हूँ, वही चीज़ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो
ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ अपने बंगाली फिंचेस का कुछ चिक्स मैंने रख दिया है इधर। तो इधर भी आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर जो है ये कटल फिश बोन मैंने इसको प्रोवाइड किया है इधर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।